अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ गॉड, फ्रॉम फॉल्सहुड टेक मी टू ट्रुथ, फ्रॉम डार्कनेस टेक मी टू लाइट, फ्रॉम डेथ टेक मी टू लाइफ। नॉलेज टेक्स अस आउट फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड लीड्स अस टू एवर ब्लिसफुल एनलाइटनमेंट। So, today, let's light up the matchstick of knowledge. And today, in the tits and bits of chemistry, let's talk about the chemistry behind matchstick. When we talk about Diwali, one of the most celebrated festival in India, what does come to your mind the very first thing? Crackers. Boom! Firework, light and fire, the two most important aspects. Fire is considered to be one of the greatest invention, the very first invention of human race that took us years ahead, centuries ahead. It opened different ways of life in front of us. And before we start talking about the matchstick, let's know something about fire. Fire happens when three important components are present at the same time. आपके सामने जब भी एक आग का सीन हो रहा है या फिर आपको दिख रहा है कि आग है, मतलब वहां पर ये तीन एक्टर्स जरूर होंगे, तभी वो सीन कंप्लीट होगा। वो तीन एक्टर्स कौन से हैं, उसे हम समझते हैं फायर ट्रायंगल से। अब ये फायर ट्रायंगल क्या है? ये फायर ट्रायंगल है ये। फायर ट्रायंगल यानी वो तीन इंपॉर्टेंट और मस्ट टू हैव, जिन्हें होना ही चाहिए आग लगने के लिए, वो हैं फ्यूल, एयर या ऑक्सीजन, और स्पार्क, सोर्स ऑफ इग्निशन। इन तीनों में से यदि एक भी मिसिंग है तो आपकी मूवी का क्लाइमेक्स नहीं आएगा, दैट इज फायर। आपको वो फ्लेम नहीं मिलेगी। तो जब भी वी नीड फायर, वी नीड दीज थ्री थिंग्स, फ्यूल, एयर एंड स्पार्क, अ सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट सोर्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैचस्टिक व्हिच वी यूज सो फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइव्स, there is a word of caution which I would like to tell. आप सभी थोड़ा ध्यान दें, अगर कोई बच्चे ऐसे देख रहे हैं घर पर तो प्लीज मैचस्टिक आप बिना पेरेंट्स की प्रेजेंस में यूज ना करें। तो जब हम बात कर रहे हैं एक मैचस्टिक की, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं। एक तो है ये लकड़ी, जिसे आप लोग सब जानते हैं, लेकिन एक इसके अंदर बैकग्राउंड प्लेयर होता है जिसे हम भूल जाते हैं, दिस मैच बॉक्स। सो दिस मैच बॉक्स व्हेन वी आर लुकिंग एट इट एंड दिस मैच स्टिक, इन दोनों के बीच में कुछ होता है जिसके कारण वुश लाइट लगती है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैच बॉक्स, इसके अंदर ये जो लेयर है, ये जो पट्टी है ऊपर की, इस पट्टी के अंदर क्या है? इस पट्टी के अंदर है फाइनली पाउडर्ड ग्लास, और इसके अंदर है रेड फॉस्फरस। मैं यहां पर रेड फॉस्फरस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कंपोनेंट हमें समझना जरूरी है। रेड फॉस्फरस, फॉस्फरस एक एलिमेंट है जो यहां पर P4 यानी चार फॉस्फरस के मॉलिक्यूल, चार फॉस्फरस के एटम्स इस प्रकार से बॉन्डेड होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक चेन की तरह। इसको बोलते हैं कैटेनेशन, चेन फॉर्मिंग एबिलिटी। तो ये दो कंपोनेंट है, अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं। यहां पर
नेक्स्ट इज मैचस्टिक। इसके आगे जो लाल लाल पार्ट है ना, इस लाल लाल पार्ट के अंदर क्या है, इसमें क्या छिपा है? इसमें छिपा है पोटेशियम क्लोरेट KCl3 O3 ढेर सारा ऑक्सीजन है इसके अंदर। वुड, ये लकड़ी, इसके अंदर होता है सल्फर और इसके ऊपर लगी हुई होती है जनरली एक वैक्स की लेयर। तो जब कभी भी ये मैचस्टिक हम इस मैचबॉक्स के ऊपर चलाते हैं तो क्या होता है? तब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन देयर इज सम हीट जनरेटेड। तो इसके कारण कुछ हीट जनरेट होती है और जो ये रेड फॉस्फोरस है जो इतनी देर से शांति से आराम से हाथ से आग पकड़कर बैठे हैं वहां पर, इतना बड़ा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है इनका, ये थोड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका ये कैटेनेशन के कारण, उसमें क्या होता है इस गर्मी के कारण ये रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस में, और व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो होता है ऐसा। आप कभी ये ट्राई करिए, दोनों हाथ पकड़ के कस के पीछे खींचिए, उसमें क्या करते हैं जो बेचारे ये दो फॉस्फोरस के एटम्स है ना, इनको बोल देते हैं कि एक दूसरे को पकड़ के खींचो। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये खींचने के कारण आपको यहां पर कुछ जोर लग रहा होगा, सेम इट इज नोन एज स्ट्रेन, यू आर फीलिंग सम स्ट्रेन ओवर हियर, द सेम स्ट्रेन इज ओवर हियर, दिस इज नोन एज स्ट्रेन एंगल। ये इसे बहुत अनकंफर्टेबल बनाता है और जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जैसे हमें कोई आता है मिलने। तो यहां पर हीट थी, इस व्हाइट फॉस्फोरस को उतावलापन हो रहा था एंड इट इज क्वाइट रिएक्टिव इन नेचर, दैट्स व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस एज अ पार्ट ऑफ जीके नॉलेज टू ऑल ऑफ यू इज केप्ट स्टोर्ड अंडर वाटर। उसे पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, उसे ऑक्सीजन से मिलवाया नहीं जाता, फ्री ऑक्सीजन एयर से, क्योंकि वो मिलते ही वो बुश आग लगा देता है। तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इस व्हाइट फॉस्फोरस को फ्रिक्शन के कारण हीट मिली यानी स्पार्क, सोर्स ऑफ इग्निशन इसको मिल गया, और इसको ऑक्सीजन हवा में पड़ी हुई है और फ्यूल ये खुद है, इसके कारण स्पार्क होती है। चलो इनिशियल स्पार्क जो हमारी जनरेट होती है दैट वी हैव गॉट फॉर अ बिगर फायर टू कम। अब ये जो स्पार्क निकला इसने क्या करा, यहां पर पकड़ा इस सल्फर को, इसके अंदर जो सल्फर है उसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के बाद में लेकिन अब ऑक्सीजन तो और चाहिए, तो जब ये बर्न होना चालू होता है दिस KCl3 गिव्स आउट इट्स ऑक्सीजन, बहुत सारा टंकी में स्टोर करके रखा हुआ है ढेर सारा। KCl3 इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ढेर सारा ऑक्सीजन देता है, सल्फर को मिलता रहता है एंड द फायर हैपेंस। और आगे चलाने के लिए कि आग लगती रहे, लोग बोलते हैं ना वो आग में घी या लकड़ी डालने का काम करना, तो लकड़ी यहां पर है, वो लकड़ी यहां पर होती है, वो घी यहां पर, ये वैक्स है एंड द सराउंडिंग ऑक्सीजन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड, द सराउंडिंग एयर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। आग चलती रहती है, आप उसे लेके जाते हैं एक रॉकेट में लगाते हैं और वो रॉकेट जाता है, उड़ जाता है। एक छोटी सी मैचस्टिक, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का केमिस्ट्री ये है। ऑल्सो अ पॉइंट टू नोट जो बोलूंगा कि आप कभी लगाते हैं तो आपको स्मेल आती है, वो स्मेल जो आती है ना वो सल्फर जलने की आती है, दैट इज अ गैस विच इज कमिंग आउट दैट आई फॉरगॉट टू राइट इट ओवर हियर बट जस्ट लेट मी करेक्ट इट, दैट गैस विच कम्स आउट इज SO2। ये आपको जो उसमें से काला काला धुआं जैसा और स्मेल के साथ आता है ना, दैट इज SO2, द स्मेल विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये केमिस्ट्री है एक छोटी सी चीज की और इसे हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या सिंस वी आर वेरी यूज्ड टू इट। सो इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड, केमिस्ट्री इज देयर इन एवरी टिट एंड बिट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स व्हाई आई से कीप लुकिंग अराउंड, कीप क्वेश्चनिंग, कीप आस्किंग, बी इंक्विजिटिव एंड कीप कमिंग बैक ऑन टिट्स एंड बिट्स ऑफ केमिस्ट्री टू नो मोर सच रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अपनी जिंदगी में जलाते रहिए नॉलेज की मैचस्टिक।
कभी तो जलेगी. थैंक यू, कीप कमिंग.